ocean, a cave, a dream that no one could save. Light चली गई है। इसको नहीं पता चलना चाहिए, वरना हमारी लाइट चली जाएगी। दिव्या पढ़ रही है। Time is 1:30. किचू का दूध पीने का टाइम हो गया तो दिव्या स्टडिंग, तो मैंने दूध अभी गर्म करके बॉटल में अंदर देता हूँ एंड शी विल फीड। इस समय बज रहे हैं सुबह के 4। मेरा हो गया सोने का टाइम। एडिट मेरा कंप्लीट हो चुका है, शेड्यूल कर दिया है मैंने ऑलरेडी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस समय बज रहे हैं सुबह के 11। हालांकि कीचू तो आई थिंक अराउंड 7:30 उठ गया था। उसके बाद दिव्या ने उसको थोड़ी देर बाद फिर से सुलाया और देन शी ऑल्सो गॉट अप एट 7 और उसके बाद अब वो फिर से थोड़ी देर बाद सो गई थी। कीचू महाराज फाइनली अब उठ चुके हैं। अब ये फाइनल वाला उठना है। अब सीधा दोपहर को 2 बजे सोएंगे। काफ़ी अच्छी नींद आई मुझे क्योंकि एक सेटिस्फेक्शन हुई कि मैं व्लॉग अपलोड करके सो गया हूँ। कीचू अपना वेट चेक कर रहा है, उस हिसाब से देन ही विल चूज हिज मील्स, है ना कीचू? चले, ये देखो हाथ बंद कर लिए। चले कीचू चलो, बस अभी नहीं खेलना और चलो। देखो ऐसे बंद कर लेता है कंधे। सुना आवाज बोलो तो हाय डब्बा, हेलो मम्मा। हाय डब्बा पूरा बोल देता है किचू। हाय रब्बा, हाय रब्बा। भाई समय दोपहर के 3 बजे और कीचू चेक कर रहा है कि कपड़े ठीक से धुले हैं कि नहीं। कीचू धुल गए कपड़े बेबी? मम्मा मम्मा गई मम्मा किचन में। कीचू जाते हैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ये। कीचू अपने मकसद से भटकना नहीं है, सीधा पंपी के बाद पहुंच जाओ। फिर डिस्ट्रैक्ट हो गया। क्या बना है? मटर पनीर। प्याज कट रहे हैं। ये लटक रहा है किचन में। आदि भाई एडिट कर रहे हैं मम्मी का एपिसोड जो कि आएगा संडे को 9 बजे। संडे को 9 या 9:30 बजे मम्मी के चैनल पे आता है जो म्यूजिक क्लास। आज मम्मी और मेरा दोनों का एक एपिसोड आएगा। मम्मी की जो क्लास आती है एवरी संडे और मेरा जो मैंने प्रॉमिस किया था विंटर के साथ 39th व्लॉग, विंटर लाइफ में क्यों आया, कैसे हम सब। सही है। फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन आदित्य और पापा का भी हो गया है फाइनली। और बेसिकली क्या होता है जब हमने लगवाई थी ना, हम बीमार हो गए थे। तो अगर आप पहली डोज में बीमार हो जाते हो तो सेकेंड डोज में, जैसे हमको फीवर नहीं आया। अच्छा। अगर अभी बीमार नहीं तो हो सकता है सेकंड डोज में शायद तेरे को फीवर है, ऐसा मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है। तो बट जरूरी नहीं है बंदा बीमार हो, लेकिन रात तक देखते हैं। अभी हाथ दर्द शुरू होगा थोड़ी देर बाद, इंजेक्शन जहाँ लगा ना। और भाई बहुत जल्द आदित्य के पेज पे एक वीडियो आने वाला है जिसमें वो रिप्लाई करेगा वाई दिव्या एंड अर्जुन आर इग्नोरिंग आदित्य। तो मैं ना काफ़ी कमेंट्स पढ़ रहा था भैया भाभी के चैनल पर कि आदित्य को इग्नोर करते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो मुझे क्यों इग्नोर करते हैं एक वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन टाइप्स होगा, मतलब कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, भाई के पेज पे आएगा, देख लेना। सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। पिछले 10 मिनट से यही हो रहा है। ऑन ऑफ कर दो किचू, ऑफ कर दो। किचू अपनी नानी से बात कर रहा है। कैसे कर रहे थे आपकी ये सब ना किसी ने निकाल दिए, फिर लगाया, फिर निकाल दिया और फिक्स लगाया। हाँ इसको बहुत ढूंढ रहा है। किचू नोज का नोज किचू तुम्हारा घी भात आ गया है। इसकी ईटिंग हैबिट्स मेरी वाली हैं दिव्या। चावल बहुत पसंद है इसको। चावल घी में डाल के दे दो बस सेट है। तो प्रेफरेंस चावल एनी टाइम। या रोटी से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ चावल। रोटी तो पसंद ही नहीं है। हाँ मतलब आई रियली डोंट फील लाइक ईटिंग चपाती पराठा। बिल्कुल चावल दाल चावल दे दो, अपना घी डाल दो चावल में, नमक डाल दो, फ्राइज दे दो, अंडा दे दो, बस सिंपल। कीचू आ गया, कैमरा बंद। हाय रब्बा शाम के 4:15 कीचू का टाइम हो गया सोने का वैसे, बट वो सो नहीं रहा तक। कीचू का दूध उबलने रख दिया है, अब वो दूध पी के फिर थोड़ी देर में सो जाएगा। वैसे जनरली वो 3 बजे तक सो जाता है, आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि उठा भी लेट था। तो अगर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, तो हम सब लोग इन्वेस्ट तो करते ही हैं, लेकिन सीधी सी बात यह है कि अपन खेलते हैं थोड़ा सेफ। गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, एफडीज में डाल दिया, जो कि सेफ तो है लेकिन लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स हैं। और जब बात आती है स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की, तो हम अक्सर अपने दोस्तों की राय लेते हैं या फिर बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। और एडवाइस लेने के बाद अगर इन्वेस्ट कर भी दें तो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि सही इन्वेस्ट किया कि नहीं। और म्यूचुअल फंड्स में अगर कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए अच्छी खासी रिसर्च करनी पड़ती है, और इसी रिसर्च को आसान बनाता है ET मनी का फंड रिपोर्ट कार्ड। ET मनी इज ऑल्सो द स्पॉन्सर ऑफ टुडेज वीडियो। ये रिपोर्ट कार्ड आपको बताता है कि जब मार्केट गिरती है तब फंड ने बाकी फंड्स के कंपैरिजन में किस तरह से आपके इन्वेस्टमेंट्स को बचाया है और किस तरह से आपका लॉस मिनिमाइज किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये आपको ये भी बताएगा कि जो रिटर्न्स आपको आ रहे हैं ये उस फंड ने कितनी कंसिस्टेंटली डिलीवर की है। इस रिपोर्ट कार्ड के अलावा आप ये भी देख पाएंगे कि इस फंड ने बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के कंपैरिजन में क्या रिटर्न्स दिए हैं, और ये भी देख पाएंगे कि सिमिलर फंड्स की तुलना में इस फंड ने कैसे परफॉर्म किया है। और अगर आप फिर भी श्योर नहीं है तो ET मनी रैंक देखकर आप पता लगा सकते हैं कि इस फंड की अपनी कैटेगरी में क्या रैंकिंग है। फॉर एग्जाम्पल, मानो आपको 3 फंड्स में से चूज करना है लेकिन उन तीनों फंड्स की रेटिंग 5 स्टार है, तब आप क्या करोगे? तब आप ET मनी रैंक और रिपोर्ट कार्ड यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। They have built it using their in-house algorithm, जो कि काफी सारे की पैरामीटर्स को ध्यान में रख के एक फंड की रैंकिंग बनाता है। So with ET Money app and ET Money fund report, it's easy for even a first-time investor to feel confident and understand the fund before entering the world of investments. हर बार सोचता हूँ बाल लंबे कर लूँगा, लेकिन अभी फिर मुझे लग रहा है कि मैनेज नहीं हो पा रहे। तो मेरे को टॉप कॉन्स्टेंटली ऐसा करना पड़ता है, और अगर मुझे इसको संभाल के रखना है तो मुझे बहुत सारा जेल लगाना पड़ता है या फिर डस्ट डालनी पड़ती है इसके अंदर, वो जाती है ना पाउडर, तो वो ठीक नहीं है बालों के लिए। तो आई थिंक मैं जाके कटवाई आता हूँ बाल, वही बेटर रहेगा। कितना खूबसूरत लग रहा है आसमान यार। तो यहाँ पे ना पास में एक शॉप है, वहीं जा रहा हूँ मैं हेयर कट के लिए। लास्ट टाइम जब मैं वहाँ गया था तो उसने मेरा चैनल खोल के बोला, अरे आप तो यही हो ना? मैंने कहा हाँ भाई। तो वहीं जा रहा हूँ अभी। नहा धो के अब मैं फ्रेश हो गया हूँ, एकदम बाल अच्छे कट गए हैं। और ऐसे बैठे थे पापा, देख क्या कहते और फिर पता क्या ऐसे और फिर पता कैसे आई थी मम्मा, और फिर पता कैसे आई थी मम्मा। इतना दिमाग है ना बेबी, मैं हैरान हूँ इस लड़के पे। 9:45 बज रहे हैं इस समय। कीचू लिविंग ऑन द एज। वो गिरता नहीं है भाई, वो हाँ वो गिरता नहीं है, वो इतना चंट है, वो बहुत तेज है, वो गिरता नहीं। हाँ अभी तो क्या करती, इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ इसको मैं अंडा खिला रही थी। इसको अंडा पसंद नहीं है, पर मुझे इसको आदत डालनी है कि अंडा खाइए। इतनी देर से ना ये खा नहीं रहा था, तो मैंने स्क्रैम्बल करके इसको बना के दिया, और वहाँ पे किचन में रैक है ना जिसपे सारे बर्तन टंगे हैं वो, तो इसको मज़ा आता है उसे खेलने में। तो इसको मैं खिला रही थी वहाँ जा जाके ना कि ये खेल ले साथ साथ में खाता रहे। तो मैं इसके मुंह में बाइट डाल रही थी, खेल रहा है। फिर जब मेरे को पूरी प्लेट ख़त्म हो गई ना तो मैंने कहा अच्छा अब तो उसने खेल लिया है, अब मैंने रख दिया प्लेट वापस। फिर मैं इसको लेके जाने लगी, इसने पूरा का पूरा निकाल दिया। उसने तब तक खाता रहा जब तक खेल रहा था, तब तक प्रिटेंड करता रहा कि वो खा रहा है। अभी वो डिस्टर्ब कर रहा है कि मेरी स्टोरी लोगों तक पहुंच ना जाए तो मैं पीछे से म्यूजिक बजा देता हूं। और इस लड़के ने तब निकाला है वो जब जैसे मैंने उसको खेलने से चलो अब चलते हैं अंदर रूम में, ये तो खा लिया इसने, सारा के सारा निकाल दिया। बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो रहा है, ज्यादा ही हो रहा है बेबी, कुछ कैसे संभालेंगे। बस ये प्यार से मम्मा बोल देते हैं इसको तो सब ठीक हो जाएगा। अब दलिया खाओगे तुम। Going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real, cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. तो गाइस इस समय 11:20 बज रहे हैं रात के, और कीचू आधा घंटा पहले नहाया है। अब इट्स टाइम फॉर हिम टू स्लीप, होपफुली ही विल स्लीप नाउ। आपको दिखाया तो हूँ, दिव्या सुला रही है उसको। चैनल पे अगर हम नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कीचू फाइनली कितने बजे सोया है आपको कल के ब्लॉग में दिखाते हैं। बाय गाइस।